बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि रायपुर से आ रही है। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजधानी रायपुर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन आयोजित हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, जहां कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन आयोजित हुआ है और इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। और बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, जहां कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने कांग्रेसी संभागीय सम्मेलन कर रहे हैं। सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद हैं। बुढ़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। राजधानी रायपुर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन जो है वो आयोजित हुआ है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी उपस्थित हैं। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए कांग्रेसी इस सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं और इसकी तस्वीरें आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन, और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजधानी रायपुर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन आयोजित है, इसकी तस्वीरें आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कार्यक्रम में मौजूद हैं। और वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज एडिटर मोहन तिवारी। मोहन, कांग्रेस का विधानसभा चुनाव से पहले रायपुर संभाग में बड़ा गेम देखने को मिला है और बलवीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में संभाग स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या इसकी पूरी जानकारी है? मंच पर कौन कौन से नेता उपस्थित हैं और किस विषय पर चर्चा हो रही है? देखिए, संभागीय सम्मेलन जैसा कि कांग्रेस ने तय किया है कि हर संभाग में वो एक बड़ा सम्मेलन करे और उसके बाद आगे की रणनीति बनाए, तो कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कांग्रेस ने ये संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया है। और इस संभागीय सम्मेलन में हर उस संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले के जो कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया है, तो उनके द्वारा एक मैसेज देने की कोशिश है कि अब चुनाव सामने हैं, आप लोग तैयार हो जाइए। और कोशिश ये भी है कि जो कार्यकर्ताओं के अपनी डिमांड है उसे भी नेता जो है वो सुन सके। तो हर जगह सारे प्रमुख बड़े नेता जा रहे हैं और बात करेंगे कि किस तरीके की रणनीति के साथ वो मैदान में उतरे। और शुरू में कार्यकर्ताओं को चार्ज कर दिया जाए, इसके लिए ये संभागीय सम्मेलन हो रहे हैं, जिसमें बस्तर और दुर्ग बिलासपुर के सम्मेलन हो चुके हैं, अब रायपुर का सम्मेलन है, इसके बाद सरगुजा सम्मेलन जो है वो आखिरी सम्मेलन 13 तारीख को होगा। जी मोहन, आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए लगातार बीजेपी और कांग्रेस के नेता प्रयास कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हुए थे, क्या वो इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं? देखिए, ये सम्मेलन संभागवार है, तो रायपुर के संभाग के अंतर्गत जो रहने वाले नेता हैं उनको इसमें बुलाया जाता है और हर सम्मेलन में हर नेता शामिल नहीं होगा, लेकिन जो प्रमुख नेता हैं वो हर संभाग के सम्मेलन में आते हैं। तो इस रायपुर संभाग के अंतर्गत जो 6 जिले आते हैं उसके अंतर्गत रहने वाले नेता इस सम्मेलन में शामिल होंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद मोहन आपका। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, जहां कांग्रेस का संभाग स्तरीय सम्मेलन राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित है और इस कार्यक्रम में प्रदेश संभाग स्तर से कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो रायपुर के इंडोर स्टेडियम में